हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन सर्वा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ कांटेक्ट। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कांसेप्ट। यहां एग्जांपल की सहायता से देखा जाए तो यहां लिखा है ग्लास वाटर, तो ये ग्लास का वसल है जिसमें जो है वाटर भरा हुआ है। यहां लिखा है सिल्वर वाटर, तो यहां पे सिल्वर का वेसल है और इसमें वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर। और यहां लिखा है ग्लास मरकरी, तो ये जो है वेसल जो है ग्लास का है और उसमें मरकरी फिल्ड है। तो जो शेप दिखाया गया वास्तव में वो बनता भी है। आप देखे होंगे जब ग्लास के वेसल में हम लोग वाटर रखते हैं तो ये यहां पे थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन रहता है, इस शेप में रहता है। अगर चांदी का वेसल है इसमें वाटर भर दिया जाए तो यहां पर यह 100% क्या रहता है, प्लेन रहता है। और कांच के वेसल में अगर जो है मरकरी भर दिया जाए तो उसका शेप जो है कॉन्वेक्स होता है, यहां पे इस टाइप से रहता है, कॉन्वेक्स प्लेन और ये कॉनकेव रहता है। अब इस डिफिनेशन पे गौर किया जाए, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड को स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सॉलिड को स्पर्श करते हुए एक अंदर की ओर लाइन ड्रा करते हैं, इनके बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यहां पर भी देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड को स्पर्श करते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सॉलिड को स्पर्श करते हुए अंदर की ओर एक लाइन ड्रा करते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वही कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहां पर देख लिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लिक्विड को स्पर्श करती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सॉलिड को अंदर की ओर स्पर्श करती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं, इनके बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यहां पे जो शेप बन रहा है वो कॉनकेव शेप है, ये प्लेन शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप है। यहां पे थीटा सी हमारा जो है वो लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल बन रहा है। यहां थीटा सी 90 डिग्री है, यहां थीटा सी जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है। मान लेते हैं कांच की प्लेट है, उसके ऊपर वाटर जो है पूरी तरह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है जहां पे एक्यूट एंगल बनेगा वहां पे जो है लिक्विड जो है सरफेस को क्या करेगा, वेट करेगा, गीला करेगा। और इस केस में भी गीला नहीं करेगा और इस केस में भी गीला नहीं करेगा, मतलब थीटा सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो ऐसी दशा में लिक्विड जो है सरफेस को गीला नहीं करेगा, ये सिल्वर के सरफेस को गीला नहीं करेगा। अगर थीटा सी 90 से बड़ा है तो लिक्विड, जिसे मरकरी को यहां लिक्विड माना गया है, तो ये मरकरी जो है कांच के सरफेस को वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। अगर वाटर में हम कांच की ट्यूब को डालते हैं तो वाटर जो है ऊपर की ओर यहां पर उठता है, लेकिन अगर मरकरी में हम लोग कांच का ट्यूब डालते हैं तो ऐसे केस में ये मरकरी जो है नीचे की ओर जाता है, ये भी ध्यान देना है। तो इतनी कहानी इससे रिलेटेड है। अब डिफिनेशन को और क्लियर कर लिया जाए, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ लोग थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग थीटा से करते हैं, दोनों चलेगा। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सॉलिड सर्फेस इन साइड द लिक्विड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, ये चीज, एंड लिक्विड इन कॉन्टेक्ट, जो लिक्विड भरा है उस पर क्या होता है, डिपेंड करता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं। हां विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, रीजन ऑफ शेप ऑफ मेनिस्कस। ध्यान दें, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो ये चीज यहां पे देखिए, देखिए विद्यार्थी यहां लिखा है एग्जांपल में सिल्वर वाटर, सिल्वर वाटर अगर जो है सिल्वर के वेसल में वाटर रखा तो उसका शेप यूं बनता है, प्लेन, ध्यान दें। और यहां लिखा है ग्लास वाटर, तो ग्लास में अगर प्योर वाटर रखा तो उसका शेप बनता है कॉनकेव। और ग्लास मरकरी, अगर ग्लास के वेसल में मरकरी रखा है तो उसका शेप बनता है कॉन्वेक्स। ये तो इसका रीजन बताना है, तो ये रीजन है लिक्विड सर्फेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिजल्टेंट फोर्स। अब
यहाँ बोर्ड पे लिखा है एफ ए है यहाँ पे हमारे पास एडहेसिव फोर्स, एफ सी है कोहेसिव फोर्स, एफ ए होता है डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स वर्क करता है उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहां पे देखा जाए सिल्वर वाटर के केस में देखें तो यहां पे मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में कोई मॉलिक्यूल है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में कोई मॉलिक्यूल है वाटर के मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर है कि इनका रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा और इस मॉलिक्यूल को ग्लास वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेगा, तो एडहेसिव फोर्स जो है एफ ए इधर कार्य करेगा। तो यहां पर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू जो है एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होती है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा इसी वेसल वाली लाइन में ही आएगा, ये चीज यहां पर ध्यान देना है। यहां पे अल्फा 90 डिग्री होता है इस केस में। अब इसको फार्मूले की सहायता से समझा जाए और एफ ए जो है रिजल्टेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो मेन जो फार्मूला था हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही फार्मूला यहां अप्लाई करेंगे टेन अल्फा इक्वल टू एफ सी साइन 135, ये हमेशा 135 बनेगा, 90 इधर और 45 इधर, अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135। तो इस केस के लिए हम बना रहे हैं एक रिजल्ट, तो इसके लिए अल्फा इक्वल टू होता है 90 डिग्री, यहां पे रख दिए एफ सी साइन 135 का मान होता है 1/√2 अपॉन एफ ए प्लस एफ सी कॉस 135 का वैल्यू होता है -1/√2। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी √2 रहेगा नीचे भी √2 होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे √2 का क्या होगा प्रोडक्ट, तो ये चेहरा मिला, तो एफ सी अपॉन √2 एफ ए माइनस एफ सी। टेन 91 इनफाइनाइट होता है तो इनफाइनाइट रखा गया है, ये है और इनफाइनाइट के स्थान पर 1/0 भी रख सकते हैं, तो हम लोग ये लिखे, अब तिरियक प्रोडक्ट किए तो हमारा ये आंसर मिलता है। तो ऐसे केस में एफ ए इक्वल टू आ गया एफ सी अपॉन √2, तो एफ ए है आपका एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स अपॉन √2, किस केस में, सिल्वर वाटर के केस में, यस। अब आगे हम लोग देखते हैं ग्लास वाटर के केस में, तो यहां पे भी कोई मॉलिक्यूल है, यहां पे कोई मॉलिक्यूल है तो यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा वो एफ सी, ये दिखाया गया है, और वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच जो एडहेसिव फोर्स करता है एफ ए यहां दिखाया गया, यहां पर एफ ए की वैल्यू एफ सी से ज्यादा है, ज्यादा है तो जाहिर है कि इसका रिजल्टेंट जो है यहां आएगा, देखिए बाहर इधर की ओर एफ ए की ओर शिफ्ट हो गया और अल्फा की जो वैल्यू होगी यहां पे 90 से कम होगी, तो यहां पे देखिए एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाई √2 होता है ग्लास वाटर के केस में। अब यहां भी देखिए ये चीज मिलान करिए आप, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू रिजल्टेंट फोर्स, लिक्विड सरफेस आपका ये है चांदी की वेसल में और नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स भी इधर है, तो ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया। यहां भी देखिए रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इसके देखिए क्या है, इसकी क्या है नॉर्मल पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा। इसमें देखिए ग्लास मरकरी वाले केस में, ग्लास मरकरी वाले केस में यहां पे अगर कोई मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव फोर्स एफ सी की वैल्यू एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो जाहिर है कि रिजल्टेंट जो है कोहेसिव की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यस। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू 90 से क्या होगी बड़ी होगी, यस। तो यहां पे ये रिजल्टेंट आया एफ आर, तो यहां पे रिजल्टेंट फोर्स जो है ये सरफेस की क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो इस केस में एफ ए एडहेसिव फोर्स की वैल्यू एफ सी अपॉन √2 से क्या होगी छोटी होगी, मतलब यहां पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये चीज ध्यान देना है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो जाहिर है कि यहां भी आपको नॉर्मल मिलेगा। यहां पर भी बनाने में फिगर भले दिक्कत हो लेकिन ये चीज हमेशा वैलिड है, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो इसे क्या मिलेगा
नॉर्मल ही मिलेगा, परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है रीजन ऑफ शेप ऑफ मेनिस्कस का। तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड जो है दो प्रॉब्लम को हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब दो क्वेश्चन को देख लिया जाए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द इरिटेबिलिटी ऑफ ए सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। और दिया है ऑप्शन विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट एंगल होगा वो जो है लिक्विड सरफेस को गीला करेगा। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर लिया जाए। इफ ए वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन टू ग्लास प्लेट देन शेप इज। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ की सहायता से आपको बताना है। तो देखिए ग्लास है, वाटर है, इनके बीच जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल बनता है। देखिए ग्लास है और वाटर है, इनके बीच जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट एंगल मिलना चाहिए। तो जहां पे मिल जाएगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे ये है, ये है, एक्यूट एंगल नहीं मिला, तो जाहिर है ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यहां पे भी एक ये है, एक ये है, यहां भी एक्यूट एंगल नहीं मिला, राइट एंगल मिला। और यहां पे एक टेंजेंट ये लेते हैं, एक ये लेते हैं, इनके बीच थीटा सी क्या मिल रहा है, एक्यूट एंगल मिल रहा है। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो ग्लास प्लेट और वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट एंगल जहां पे मिलेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।